गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। साथ साथ ये नेक्स्ट आपकी यूनिट भी है। ये यूनिट है आपकी डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग के यूनिट में 4 चैप्टर इंक्लूड हैं, जो डायरेक्टिंग के एलिमेंट्स हैं। डायरेक्टिंग के साथ 5 चैप्टर्स हैं, जो 4 मार्क्स की ये यूनिट आपकी कंप्लीट करते हैं। कंप्लीट यूनिट से 4 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पे आता है। तो पहले हम देखते हैं कि यहाँ कौन कौन से चैप्टर इंक्लूड हैं, जो हम डायरेक्टिंग के एलिमेंट्स की फॉर्म में नेक्स्ट चैप्टर्स रीड करेंगे। इस चैप्टर के नेक्स्ट एक फर्स्ट होता है आपका सुपरविजन, सेकंड कम्युनिकेशन, थर्ड लीडरशिप एंड फोर्थ है आपका इसमें मोटिवेशन। तो डायरेक्टिंग, सुपरविजन, कम्युनिकेशन, लीडरशिप एंड मोटिवेशन, ये 5 चैप्टर मिला के आपकी 4 मार्क्स की यूनिट बनती है। डायरेक्टिंग में आप देख सकते हो कि सबसे पहले जो आपने प्लानिंग के फंक्शंस रीड आउट किए थे, फर्स्ट फंक्शन था आपका प्लानिंग, फर्स्ट फंक्शन हमारे पास था प्लानिंग, सेकंड ऑर्गेनाइजिंग, जहाँ पे हमने एक स्ट्रक्चर तैयार किया था कि हमारे यहाँ कितनी पोस्ट होंगे, कितने डिपार्टमेंट होंगे, स्टाफिंग में उन पोस्ट को हमने फिल किया। लेकिन यहाँ हमारी मशीनरी तो तैयार होगी, उसके सारे पार्ट्स भी आ गए। ऑर्गेनाइजिंग को हमने एक मशीनरी के फॉर्म में देखा था, और यहाँ पे हमने उसके वर्कर्स, एम्प्लॉयज, सारे एम्प्लॉयज भी अपॉइंट कर दिए। लेकिन ये मशीनरी जो हमारी तैयार हुई है, वो तो कब तक काम नहीं करेगी, जब तक उसमें डायरेक्टिंग या मूवमेंट नहीं होगी। डायरेक्टिंग का मतलब है जितने लोगों को आपने काम दिया, काम पे लगाया है, उनको उनके काम से परिचित भी करवाना। डायरेक्टिंग बिगिंस, जब स्टाफिंग का काम खत्म होता है, स्टाफिंग के बाद डायरेक्टिंग स्टार्ट होती है। सो फार कॉम्पिटेंट पर्सन हैव बीन अपॉइंटेड ऑन द पोस्ट क्रिएटेड इन द ऑर्गेनाइजेशन, जितनी हमने पोस्ट बनाई थी वहाँ पे लोगों को तो लगा दिया। नाउ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दैट अराइजेज, इसके बाद जो एक मुख्य प्रश्न उत्पन्न होता है, इज एज टू हाउ द एंटायर ह्यूमन मशीनरी ऑफ एंटरप्राइज विल मूव। अब बात आती है कि ये पूरी मशीनरी मूव कैसे करेगी, कैसे ये चलेगी। द आंसर टू ऑल द क्वेश्चन इज इन हैंड द फोर्थ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मतलब हमने प्लानिंग कर ली थी, ऑर्गेनाइजिंग कर ली थी, लोगों को काम पे लगा लिया था, अब ये काम कैसे करेंगे वो निर्भर करता है डायरेक्टिंग। अंडर डायरेक्टिंग द पीपल पोस्टेड एट डिफरेंट पोस्ट आर सो इन्फ्लुएंस्ड दैट दे स्टार्ट मूविंग टुवार्ड्स देयर वर्क ऑटोमेटिकली एंड फाइनली कॉन्ट्रीब्यूट टू द अकम्प्लिशमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ एंटरप्राइज। अब बात आएगी कि वो मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, अपने काम को करना शुरू कर देते हैं जब उन्हें काम बता दिया जाता। अब यहाँ पे 2 शब्द आए हमारे पास, एक मैनेजिंग और एक डायरेक्टिंग। कुछ लोग इन्हें बहुत सिमिलर मानते हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस समझना जरूरी है। जो मैनेजिंग है वो वाइड कंसेप्ट है डायरेक्टिंग का ही। डायरेक्टिंग अपार्ट फ्रॉम, जो डायरेक्टिंग है वो सिर्फ एक मैनेजमेंट का पार्ट है। द फंक्शन लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग and controlling are included. On the other hand, directing is limited concept. Directing का limited concept है, जबकि managing ये सिर्फ management का ही एक part है, management का एक function ही। Meaning क्या है directing का? Directing refers to instructing, उनको जितने भी workers, employees आपने काम पर लगाए हैं उनको instructions देना, guiding उन्हें guide करना, communicating उनके साथ विचार विमर्श करना, एंड इंस्पायरिंग पीपल और उन लोगों को इंस्पायर भी करना, सो दैट द ऑब्जेक्टिव कैन बी अचीव्ड, ताकि उद्देश्यों को सही प्रकार से प्राप्त किया जा सके। इट इज दैट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस, ये प्रबंध प्रक्रिया का वह हिस्सा है विच इंश्योर्स द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द एम्प्लॉयज, जो एम्प्लॉयज की एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस दोनों को बढ़ाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मैनेजमेंट इन एक्शन।
यहीं से जो प्रबंध है, जितने भी उससे पहले के काम हैं वो मीनिंगलेस हैं जब तक हमने डायरेक्टिंग को स्टार्टिंग नहीं किया। डेफिनेशन इसकी कुंटर्स एंड ओडोनल ने दी है, डायरेक्टिंग इज द एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ गाइडिंग एंड ऑब्जर्विंग सबॉर्डिनेट्स। जो डायरेक्शन है वो एक बहुत एग्जीक्यूटिव फंक्शन है गाइड करने का और ऑब्जर्व करने का अपने सबॉर्डिनेट्स। अर्नेस्ट डेल क्या कहते हैं इसके बारे में, डायरेक्शन इज टेलिंग पीपल व्हाट टू डू एंड सीइंग दैट दे डू इट इन बेस्ट एंड देयर एबिलिटी। डायरेक्टिंग लोगों को ये बताना कि क्या उन्होंने क्या काम करना है और उसके बाद ये कंफर्म करना कि वो अपनी योग्यता का पूर्ण उपयोग करते हुए, दे इंक्लूड मेकिंग असाइनिंग एक्सप्लेनिंग प्रोसीजर सीइंग दैट मिस्टेक्स आर करेक्टेड प्रोवाइडिंग ऑन द जॉब इंस्ट्रक्शन एंड ऑफ कोर्स इशूइंग ऑर्डर्स। सिर्फ उन्हें ये बता देना काफ़ी नहीं है कि उन्हें क्या काम करना है, उसके बाद ये भी देखना कि वो अपने जो उन्हें काम दिया गया है उसको सही और अच्छे तरीके से अपनी योग्यता का पूर्ण प्रयोग करते हुए कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर नहीं कर रहे तो उन्हें काम करने का प्रोसीजर एक्सप्लेन किया जाएगा, अगर वो कुछ मिस्टेक्स कर रहे हैं तो उन्हें करेक्ट किया जाएगा, जब वो काम कर रहे हैं काम से रिलेटेड उनको इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी और आदेश भी दिए जाएंगे।